आरा मशीन का काम तो बहुत बढ़िया होता है। आपको महिंद्रा पिकअप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? है ना, इसका टेस्ट भी कुछ जबरदस्त। मतलब 20,000 मान ले राउंड फिगर, 40,000 ये और ये है ना, उसके पीछे दूसरा होता है। महिंद्रा के पिकअप है लेकिन टाटा का लोगो लगा है। जैसे स्प्लेंडर लेने लग गए तो सारे स्प्लेंडर ही लेंगे। पंजाब की चाय पियो, हमारे पंजाब की क्या चाय स्पेशल होती है। तो टाटा की होता है है तो वो भी मजबूत है। एमपी, यूपी, बिहार, नेपाल पे चलती है गाड़ी, तो पहाड़ों पे बर्फ में चलती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। पेश है आप लोगों के सामने बोलेरो पिकअप, लेकिन ये आज पहली बार अपने को पंजाब भोपाल में खड़ी हुई मिली है। मतलब ऑल इंडिया परमिट चलती है पंजाब, आज भी वहीं के विजय भाई नाम है, विजय सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। उनकी पिकअप है, उन्होंने अंदर से अच्छी बना के रखी है। और देखिए व्हील कवर वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसी को कुछ पेंट वगैरह करके रखा है। लेकिन एक बात बोलूँ जी, ये महिंद्रा की पिकअप है लेकिन टाटा का लोगो लगा है। जी व्हील कप सफारी गाड़ी के, व्हील कप टाटा के सफारी गाड़ी के व्हील कप। अच्छा, सफारी के व्हील कप लगा रही है। देखिए आप, टाटा का लोगो मिलेगा आपको, पीछे दूसरा लगा के रखा है। ये व्हील कप आपने पीछे क्यों नहीं लगाया? ये वाले पहले पीछे थे, अभी हटा दिए वहाँ से। बोलेरो पिकअप 1.7T, इसमें इंजन वही आता है 2.5 लीटर, 25-23 cc वाला ही इंजन आता है। और 75 BHP की पावर आती है, 200 Nm का टॉर्क आता है। पिछली बार मैंने एक 1.3 टन की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने 1.7 की स्पेसिफिकेशन बता दी। जैसे मैं 3490 kg पूरा इसका ग्रॉस व्हीकल वेट आता है, 3490 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट रहता है, और 1790 पासिंग आती है, 1790 kg ये पासिंग आती है। मैंने क्या 1.3 टन वाली में भी यही स्पेसिफिकेशन बता दी थी, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। 4 सिलेंडर ही इंजन होता है। कितनी पुरानी है ये? 19 मॉडल है। आपने नया खरीदा था उस टाइम? नया खरीदा था। इस टाइप की पिकअप है। सबसे पहले मैं पिकअप थोड़ी बहुत दिखा दूँ आपको। ये देखते हुए चलिए, ये इधर से कुछ इस तरीके की चीज़ें लगवा रखी हैं। पीछे माल थ्रेशर वगैरह वाला खाली हो रहा है, इस तरीके की बॉडी बनी। इधर आ सकता हूँ मैं आपकी परमिशन से? आया अंदर से बड़ा, आप देखिए आप बहुत अच्छा बना के रखा है अंदर से। आप देखिए पूरा ये हल्का हल्का लेदर टच है। यहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हैं, स्पीकर लगा के रखे हैं, ये लाइटें लगा के रखी है, छोटे से स्पीकर, एक फ़ैन, झूमर वगैरह, और ये बड़ा बढ़िया सा रुमाल, गैस वगैरह। माल लगता है, मतलब पैसा लगता है, बाकी चीज़ें तो अच्छी बन जाती है। ये कितना का बना आपका पूरा? ये हमारा सारा म्यूजिक सिस्टम लगा के 20,000 का। अंदर ही का सिर्फ? अंदर का। बॉडी अलग है? बॉडी अलग है। मतलब म्यूजिक सिस्टम लगा के पूरा तामझाम 20,000 का पड़ गया आपको? 20,000। म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगाया आपने? मैंने इसमें JBL का म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है। आप भी साथ में चलते हैं? जैसे भाई आप दोनों साथ में चलते हैं तो आप इतना लंबे चलते हैं तो सोना होना कैसे, क्या करते हैं? बस एक ही बंदा यहाँ सो जाता है, एक गाड़ी चला रहा है। अच्छा, ऑल इंडिया आप चलते हो? नहीं, बस एमपी तक ही आते हैं, आगे नहीं जाते, महाराष्ट्र नहीं जाते। मतलब पंजाब एमपी टीपी पे आप चलते होंगे, ऑल इंडिया परमिट की जरूरत आपको पड़ती नहीं होगी। जैसे ट्रकों में जो परमिट की जरूरत पड़ती है, इसमें तो नहीं पड़ती है इसलिए, लेकिन है तो इस गाड़ी का परमिट। अच्छा, लेकिन वो टैक्स कट जाता है फिर। अच्छा, टैक्स कट जाता है। इसके पहले भी ट्रक वर्क चलाते थे आप, फिर ली पिकअप या फिर ऐसे डायरेक्ट? नहीं, पहले मैं गाँव में ट्रैक्टर चलाता था। बस ट्रैक्टर चलाते चलाते आपने डायरेक्ट ये ले लिया? तो और कुछ ट्रक वगैरह कुछ भी नहीं चलाया? नहीं, चलाना तो आता है, ट्रक चलाना आता है, घोड़ा सब। अच्छा, चलाना सब आता है, लेकिन आपने ट्रैक्टर के बाद डायरेक्ट ये ले लिया। तो आपने मतलब क्या सोच के लिया, कुछ बिजनेस करना है खुद का, फिर किस पर्पस से आपने खरीदा इसको? मैंने हमारे वहाँ पर ट्रक टूटते हैं, हमारे ट्रक टूटते हैं मतलब नीलाम होते हैं, स्क्रैप की मार्केट है। हाँ जी, वहाँ से माल जाता है दिल्ली मायापुरी। हाँ, उसके लिए ली थी ये। दिल्ली मायापुरी जो माल जाता है उस पर नहीं चलाते हैं इसको? उसके लिए ली थी, लेकिन उसके बाद में पैसे मतलब बढ़िया बनने लग गए। हाँ, तो वो बंदा कहता मैंने तेरे साथ काम नहीं करना। साथ में मिल के ली थी आपने? हाँ, फिर वो कहता भी मैं अपनी गाड़ी अलग ले आऊंगा। अच्छा, फिर मैंने ये गाड़ी रख ली थी। आपने गाड़ी रख ली? कितने की ली थी आपने उस टाइम भाई? मैंने 670 की। नया लिया था? नया। 670 में नई आ गई थी? हाँ। अरे यार, 2019 में? 19 में 670 की, कागज समेत बगैर बॉडी के। फाइनेंस करवाया होगा आपने? क्या किस्त बनती थी उस टाइम ये? इसकी बनी थी 14,625 रुपए। वो तो पूरी हो गई होगी अभी? नहीं, अभी 5-6 किस्त रह गई है। 5-6 किस्त है तो अभी, जैसे उस टाइम स्क्रैप पे चलाते थे आप, अभी किस चीज पे चलाते हैं? अब तो मशीनों पे। ये थ्रेशर मशीन जो आती है? हाँ। तो ये टोटल आप एमपी डिलीवर करते हो? एमपी, यूपी, बिहार, नेपाल। अच्छा, बोलेरो से डिलीवर करते हो? हाँ, नेपाल भी जाते। तो सिंगल मशीन आती होगी खाली इसके अंदर? नहीं, पीछे टोचन करके आती है, इसके अंदर नहीं आती। अच्छा, टोचन करके आती है, मतलब टोचन करके 3-4 मशीन ले आते हो? दो। तो ऐसे मतलब टोचन करके भी अलाउ हो जाता है लाना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोडिंग तो वही आती होगी जो इसमें पासिंग आती है, तो आने देते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं। तो टोटल आप इसको इधर से उधर इसी चीज़ पे चलाते हैं? तो ये आप उसको भाड़े पे चलाते हैं? हाँ, भाड़े। तो क्या एक रेंट रहता होगा उसका?
इसका जैसे फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस है इसे। अभी आप कहाँ से ला रहे हैं? हम ला रहे हैं रोहाना से। रोहाना? रोहाना पंजाब में ही है ना? हरियाणा में है। हरियाणा में, वहाँ से आप इधर एमपी ला रहे हैं, तो क्या रेट पड़ा होगा इसका? इसका 31,000। अच्छा, कितना किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल करके आ रहे हैं? हम 1100। 1100 कितने टाइम में पहुँच गए आप यहाँ पर? सत्ताईस अट्ठाईस घंटे मतलब 2 दिन का टाइम मान लिया। 2 दिन में 1100 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। कितना माइलेज देता है आपकी गाड़ी? ये खाली तो देती है 14 साढ़े 14 का खाली में देती है। और ये माल भरा हो तो? अगर बाड़ी के अंदर माल है फिर देती है 13 साढ़े 13 दे देती है। तो ये कितना आपका डीजल लग जाता है? 1100 में आते हैं इसे लेके आते हैं डीजल पंजाब। पंजाब से लेके आते हैं? बहुत सस्ता पड़ता है। कितना? वो 88 रुपये। 88? 88। तो मतलब कितना लग जाता है आपका टोटल डीजल? हमारा चक्कर का 20-22 हज़ार का लग जाता है। और मतलब आना जाना दोनों? अच्छा, इधर इधर से फिर खाली जाते हैं आप? इधर से मंदसौर जाएंगे। मंदसौर नीमच? हाँ। वो लहसुन प्याज जहाँ होता है? हाँ। वहाँ लहसुन प्याज भरते होंगे वहाँ से? हाँ, वहाँ से पंजाब में पंजाब का लहसुन भरेंगे। अच्छा, उसका क्या रेट रहता है? उसका तो यही वजन का हिसाब है, 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार का हिसाब रहता है। तो ये आपका जो ट्रिप है, जैसे पंजाब से यहाँ आए, यहाँ से मंदसौर, वहाँ से वापस गए, ये कितना दिन में आप कवर कर लेते हैं इसको? एक हफ्ता लगता है। पूरा एक हफ्ता? हर हफ्ते आप ऐसे ही चलाते हैं? हाँ। तो आप इतना इतना गाड़ी चलाते हो तो थकते नहीं हो? मतलब क्या थकते? बस घर जाके एक दिन रेस्ट करते हैं। एक दिन रेस्ट करते हैं, मतलब एक चलाते एक सोते, एक चलाते एक सोते। पीछे गद्दा भी है, गद्दे पे सो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इधर पीछे खाली आपने ये माल ऐसे ले जाते हैं इसको, तो गद्दे पे सो जाते हैं? पीछे खाली होती है। अच्छा, इसका मेंटेनेंस आप करते हैं, तो सर्विस कितने किलोमीटर पर कराते हैं आप? मैं 12-13 हज़ार पे कराता हूँ। क्या एक खर्चा बैठता है इसकी सर्विस? इसका जैसे 3500-3500 रुपये लगता है एक सर्विस में हो जाता है। टायर का क्या खर्चा आता होगा आपको साल भर में इसका? वजह टायर तो बहुत महंगे हो गए हैं, 19,000 की जोड़ी होगी। मतलब 20,000 मान ले राउंड फिगर, 40,000 के टायर आपके? जब मैंने गाड़ी ली थी तब 15,000 की जोड़ी थी, अब 19,000 का। मतलब 40,000 के टायर साल भर चल जाते हैं टायर? वो तो चलाने के ऊपर है। मतलब फिर भी आप चलाते हैं तो फिर कितना चलते होंगे? चलने का तो जैसे अगर काम हो। हाँ। जैसे सब्जी में चल रही है लगातार। हाँ। तो 2 महीने में ही डलवाने लगे। 2 महीने में खत्म? हाँ। और अभी आप इस पे चल रहे हैं जो माल खींच के ले जाते हैं, उसमें कितना चल जाता है? इसमें जैसे 7-8 महीने, इसमें 5-6 महीने निकाल देते हैं। 5-6 महीने? मतलब 6 महीने में 40,000 ये खर्चा ही मान लो, तो हर महीने 10,000 का खर्चा टायर का है। आगे आगे वाले कम खींचते हैं टायर। अच्छा, वो अदली बदली भी हो जाते होंगे? नहीं, जैसे आगे आगे तो खींचेंगे एक जोड़ी जी, पीछे खींचेंगे 2 जोड़ी। अच्छा, ऐसा सिस्टम रहता है इसमें। जैसे 3-4 साल में कोई बड़ा काम निकला अभी तक? कुछ खराबी ऐसे इंजन वंजन में? आपको बोलेरो पिकअप के बारे में आपकी क्या राय है महिंद्रा की? मतलब क्या ये अच्छी है, या फिर अशोक लीलैंड जो आजकल नई नई पिकअप आ रही है, टाटा की इंट्रा आ रही है? नहीं, सबसे बेस्ट यही है। सबसे बेस्ट यही है? लेकिन जो टाटा की योद्धा है। हाँ। है तो वो भी मजबूत है, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है। हाँ, मेरे टाटा योद्धा की मुझसे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो दिखती कम है। लेकिन यही अपने भेड़ चाल है ना। हाँ। जैसे स्प्लेंडर लेने लग गए। हाँ। तो सारे स्प्लेंडर ही लेंगे। मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं, मैंने उसको एक बार चला के भी देखा है। जैसे जम्मू कश्मीर में। हाँ। आपको महिंद्रा पिकअप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वही सब टाटा योद्धा मिलेगी। क्या बात करें, जम्मू कश्मीर में टाटा योद्धा ही चलाते हैं? जहाँ वो चढ़ जाएगी, ये नहीं चढ़ेगी। वो ताकतवर है वो इससे ज्यादा। हाँ। फिर भी लोग उसको लेते नहीं है। हाँ। उसकी बॉडी से चौड़ी होती है। हाँ, वो इससे बड़ी भी होती है, इसका मतलब। हाँ, जैसे वो 1700 की पासिंग में आती है। हाँ। उसके 3 टन माल अंदर अंदर आ जाता है। अच्छा, सब्जी जी जी इसके ऊपर जाती है। अच्छा। हाँ, और वो उसकी जिसकी जितनी इसकी बॉडी में 3 टन आएगा। हाँ। उसकी बॉडी में 35 क्विंटल आ जाता है सब्जी। मतलब वो बॉडी में भी और चीजों में भी इससे बड़ी है। हाँ। लेकिन बस साइज में इससे ज्यादा बड़े होने के चक्कर में ये हर कहीं पे जा सकती है, वो थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, लेकिन वो इससे मजबूत है गाड़ी। तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं गए भाजी? बस मेरे जो पार्टनर था उसने वो यही लेनी थी महिंद्रा। अच्छा, उनको यही महिंद्रा लेनी थी। तो अभी जैसे आप इस बिजनेस में आ गए हैं, तो आगे और आपका पिकअप वगैरह लेने का मन है, या फिर मतलब ट्रक व्रक पे जाएंगे? नहीं नहीं, यही बस मैं तो एक ही रखूंगा। एक ही में खुश है आप? घर पे भी और कुछ काम है जी आपके, या फिर यही काम है? घर पे अपना लकड़ का काम है। लकड़? हाँ। मतलब आरा मशीन है। अरे, आरा मशीन का काम तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ। तो आप वो नहीं करते? नहीं। क्यों? वो थोड़ा काम मंदा चल रहा है। काम मंदा चल रहा है?
चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत। मैं इधर से दिखा दूँ कैसा क्या रहता है अंदर सिस्टम। ये देखिए आप कहाँ रहता है तामझाम बताइए ना। ये जो है पूरे इसमें टो होके आती है। अच्छा इस तरफ से ये काहे की आवाज़ आ रही है यार। अरे लगवा के रखा है, इससे ये टो करते होंगे यहाँ पे। हाँ, ये और ये है ना। हाँ, उसके पीछे दूसरा होता है। और ये आपने पूरा बिस्तर बिस्तर रख रखा है, ये देखिए पूरा। अच्छा हुआ अपना वीडियो खत्म हो गया उसके बाद ये शुरू हुआ, वरना दिक्कत आ जाती। ये मछली कितनी आ जाती है? दो दो ही जाती है। भाई ने बोला कि मतलब चाय पिए बिना आप जाओगे नहीं। मैं बाहर पिला रहा था चाय, लेकिन उन्होंने बोला चाय तो आप पी के रहोगे। चाय मुझे भाई ज़बरदस्त, मतलब बता रहा हूँ, बोला पंजाब की चाय पियो, हमारे पंजाब की क्या चाय स्पेशल होती है। ये देखिए आप, ये रखा हुआ है, इसको खोलता हूँ मैं, गिर जाएगा ये, खोल के बताएंगे आप। वाकई में चाय जो है बहुत ज़्यादा, ये देखिए आप, ये भाई इसको शक्कर बोल रहे थे, लेकिन ये गुड़ और शक्कर मिक्स है शायद इसमें, है ना। इसका टेस्ट भी कुछ ज़बरदस्ती आया, उन्होंने चाय के साथ ये डाला, मतलब मज़ा ही आ गया भाई, मतलब इतनी ज़बरदस्त। देखो आप कलर नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल कड़वी नहीं लग रही, बहुत ज़बरदस्त लग रही है चाय, मतलब पीने में एक नंबर लग रही है। हेलो, एक सोंदा सा टेस्ट, मतलब ज़बरदस्त लगी, मज़ा आ गया भाई। कॉपीराइट सॉन्ग इसका म्यूजिक सिस्टम। चलो भाई अपना निकलने का टाइम हो गया, लेकिन एक बात बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त दिलदार इंसान है भाई, मतलब मज़ा आ गया भाई उनसे मिलके। और अपनी इतनी बातचीत हुई है कि अब उन्होंने पंजाबी बुला ली, बोले आप पंजाब आओ, कोई टेंशन नहीं आपको, हमारे घर पर अगर रुकना कुछ भी, जितना दिन रुकना है रुको करो, सब आओ। मैंने बोला आऊँगा पंजाब, ज़रूर आऊँगा। जून जुलाई की हमारी बात हुई, बोले स्पीति वैली जाता हूँ मैं, बर्फ़ वगैरह गिरती है ना वहाँ पे, गोभी पे चलती है गाड़ी, तो पहाड़ों पे बर्फ़ में चलती है, तो मेरे साथ घूमना आप, तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ये तो 100% है, मैं उनके पास जाऊँगा ज़रूर। और बोले इनकी बोलेरो पिकअप में अपन उधर ट्रैवल करेंगे, तो एक बार ट्रैवल वाले ब्लॉग भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मतलब बहुत ज़बरदस्त दिलदार इंसान, खैर पंजाबी लोग होते ही हैं दिलदार, और मज़ा आ गया उनके साथ मिलकर भाई। बाकी गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।